शॉर्ट नोटिस में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है. द प्रेस कॉन्फ्रेंस इज़ इन रिलेशन विद द रिकवरी ऑफ द स्टोलन व्हीकल्स. दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने बुलाई है पुलिस स्टेशन नवाबाद में, दिस इज़ इन रिलेशन टू द बस्टिंग ऑफ थेफ्ट रैकेट जो फोर व्हीलर गाड़ियों का काफ़ी टाइम से यहाँ चल रहा है. यहाँ पे 25 फरवरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली जिसमें एक कंप्लेनेंट आते हैं एंड ही सेज कि हिज मारुति व्हीकल वॉज स्टोलन फ्रॉम पूरन नगर. एंड अपॉन गेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन FIR वॉज रजिस्टर्ड, FIR नंबर 37 ऑफ पुलिस स्टेशन नवाबाद. एंड इन्वेस्टिगेशन वॉज टेकन अप बाई SI कालीचरण. एंड ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन द टीम वॉज सक्सेसफुल इन अप्रहेंडिंग द थीव्स एंड रिकवरिंग फोर व्हीकल्स, स्टोलन व्हीकल्स फ्रॉम द केस. सो द क्रोनोलॉजी इज़ लाइक कि जब FIR लगा तो फिर जब इसमें हमें शक हुआ कि कौन चोर हो सकते हैं, उसमें हमने सबसे पहले सस्पेक्ट को राउंड अप किया जिसका नाम है जसबीर सिंह. सोनू बुलाते हैं उसे, वो सुंदरबनी रजौरी का रहने वाला है. जब उसको अरेस्ट किया गया, उससे पूछताछ की गई, तो उसने एक खुलासा किया जिससे एक गाड़ी हमें रिकवर हुई जो हमारे इसी केस की थी जिसके ऊपर हमने FIR लगा के उसे अरेस्ट किया था. दैट वॉज मारुति कार विच वी रिकवर्ड. अपॉन टेकिंग हिज पुलिस कस्टडी व्हेन द सस्टेन्ड इंटरोगेशन एंड मोर क्लूज वेयर फाउंड, इट वॉज फाउंड दैट उसका एक साथी है रशपाल सिंह करके, जिसे काका बुलाते हैं, खवास का रहने वाला है एंड एट प्रेजेंट पुरखू कैंप में वो रहता है. तो रशपाल सिंह के साथ चैन सिंह भी है जो भी पुरखू कैंप में रहता है. ये तीनों बंदे आपस में मिल के रेकी करते थे एरिया का रात के 3 बजे 2 बजे 4 बजे डेड ऑफ द नाइट में. और ये देखते थे जो भी गाड़ी वहाँ पार्क है, स्पेशली पुराने मॉडल की कार, उसको ये जाके हंट करते थे कि अगर उसका लॉक खुल जाएगा तो उनको तुरंत चुरा के कहीं बाहर लेके चले जाते थे. तो जब हमने जसबीर को पकड़ा तो रशपाल और चैन सिंह को भी बड़ी मुश्किल से फिर पकड़ा गया. ऑल दो देवर एब्सकॉन्डिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बट द टीम डिड अ गुड वर्क एंड ही हैड बीन अप्रहेंडेड एट द राइट टाइम. एंड फ्रॉम हिज कन्फेशन वी रिकवर्ड 3 मोर व्हीकल्स. 2 व्हीकल्स वेयर इन्वॉल्व्ड इन द प्रीवियस केसेस ऑफ PS नवाबाद एंड 1 व्हीकल जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, वी रिकवर्ड इट एंड वी हैव फ्लैश्ड द सिग्नल कि वेयर इन विच एवर पुलिस स्टेशन इट इज़ रिक्वायर्ड दे कैन कॉन्टैक्ट द पुलिस स्टेशन नवाबाद फॉर द केस. सो दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर द जम्मू पुलिस एंड फॉर PS नवाबाद एंड द टीम एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हु हैज़ डन इट to break the nexus of the stolen vehicle and to break this trade of selling these stolen vehicles further. So we hope that this kind of thing will be continuing more and such kind of recoveries will again be made possible. Total how many vehicles are recovered? Including the FIR, total 4 vehicles have been recovered. So how to dispose of these theft vehicles? जनरली दे वुड गो इन देयर ओन कार इन द नाइट. ये 2-3 लोग होते हैं. द की टू दिस इन्वेस्टिगेशन वॉज फ्रॉम द CCTV कैमरा विच वी कुड सी विच कुड लोकेट द प्रेजेंस ऑफ दीज थीव्स एंड वी कुड आइडेंटिफाई देम कि ये बंदे ही थे इन्वॉल्व. सो दे वुड गो एंड रेकी द एरिया रात में, फिर उनको जो भी गाड़ी निकल जाती थी उनसे. हाँ मैं बता रही हूँ, जो भी गाड़ी उनको मिल जाती थी वो गाड़ी को फिर लेके दे वुड गो आउट ऑफ द स्टेट, नॉट इन द जम्मू स्टेट, अदर रूरल एरियाज में, कहीं पहाड़ एरियाज में, वहाँ जाके वो इसको और बेच देते थे आगे. पहले से सौदा करके रखा होता था कि उसको ये गाड़ी कहीं और बेची जाएगी, तो ये बोल के वो वर्बली फिर ऐसे बेच देते थे. जो रशपाल सिंह है ही इज़ अ नोन थेफ्ट इन इज एरिया खवास में एंड ये लोकेशन चेंज करते रहते हैं. हाँ, व्हीकल थेफ्टिंग एंड इनकी जो मोडस ऑपरेंडी स्पेशली फॉर ओल्ड कार्स इंक्लूडिंग मारुति एंड ऑल्टो कार्स की है. जो सोफेस्टिकेटेड या नए व्हीकल्स हैं उनका लॉक नहीं तोड़ पाते, तो ये पुरानी गाड़ियों का ज़्यादा हंट करते हैं.
come on you. सर मेरा नाम रोहित नंद, मैं भगत नगर में रहता हूँ। सर मेरी एक्चुअली कोई 2 महीने पहले गाड़ी चोरी हुई थी, जो कि भगत नगर से चोरी हुई थी। हमने रिपोर्ट कराई थी लेकिन पुलिस ने हमारा बहुत साथ दिया। पहले मैं सल्यूट करता हूँ आपकी मीडिया को, तो दूसरा सल्यूट करता हूँ J&K पुलिस को, जिसने हमारा कोरोना वायरस के चलते भी बहुत साथ दिया। हमने तो एक किस्म की उम्मीद छोड़ दी थी कि हमें गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 महीने से हमें कुछ नहीं। पर हमने हमारे कालीचरण सर लगे इधर तालाब तलो पुलिस चौकी में, तो हमने इनको रिपोर्ट कराई थी। FIR दर्ज हमारे यहाँ पे जो SHO साहब है, इधर से हमारी FIR दर्ज हुई थी, लेकिन हमने उम्मीद छोड़ी। लेकिन सर हम बहुत थैंक्सफुल करते हैं J&K पुलिस का, जिन्होंने हमारी गाड़ी आज बरामद हमें हुई, जो आल्टो गाड़ी हमारी बाहर लगी है। हम बड़ा धन्यवाद करते हैं J&K पुलिस का और सल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए